नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है जयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों यह ट्रेन वाया कोटा भोपाल नागपुर के रास्ते चलती है। दोस्तों यह ट्रेन जानकारी जून की समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, तो बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 12976 जयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह में दो दिन सोमवार तथा बुधवार को जयपुर जंक्शन से मैसूर जंक्शन के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेवल टाइम की, तो जयपुर जंक्शन से मैसूर जंक्शन के बीच 2464 किलोमीटर की यात्रा लगभग 44 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच है 35 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले कोच की, तो इसमें LHB रेक श्रेणी के फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। दोस्तों यह ट्रेन पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन है। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर ले। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच लगा होता है जो खाना प्रोवाइड करवाता है। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों जयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो जयपुर जंक्शन से शाम को 7:35 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है दुर्गापुरा 7:43 पर पहुंचती है तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 7:46 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते स्वाईमाधोपुर जंक्शन रात को 9:25 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 9:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है कोटा जंक्शन 10:50 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है भवानी मंडी 12:18 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है नागदा जंक्शन 2:55 पे तथा 15 मिनट के ठहराव के बाद 3:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है उज्जैन जंक्शन 4:05 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 4:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे बेरछा 5:07 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:09 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सुजालपुर 5:44 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:46 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सीहोर 6:17 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:19 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे संत हिरदाराम नगर 6:58 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 7 बजे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे भोपाल जंक्शन 7:25 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 7:30 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते रानी कमलापति 7:43 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:45 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते नर्मदापुरम 8:48 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:50 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते इटारसी जंक्शन 9:20 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:25 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते बैतूल 10:58 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11 बजे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते पंदूरना 12:09 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते नागपुर जंक्शन 2:10 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते सेवाग्राम जंक्शन 3:08 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते चंद्रपुर 4:48 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते बलारसा जंक्शन 5:50 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 5:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते सिरपुर कागजनगर 6:39 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 6:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते बेलमपल्ली 7:04 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 7:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते मंचीरियाल 7:19 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 7:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते काजीपेट जंक्शन रात को 8:53 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते काचेगुड़ा 12:01 पे था 9 मिनट के ठहराव के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते महबूबनगर रात को 1:43 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते कर्नूल सिटी सुबह 4:08 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते दोने जंक्शन 5:33 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते घंटकाल जंक्शन 6:45 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 6:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते अनंतापुर 8:23 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते धर्मावरम जंक्शन 9:18 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते हिंदूपुर 10:14 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:16 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद
बाद अपन थे बेंगलुरु कैंट 12:28 पे था, 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती हैं। इसके बाद अपन थे बेंगलुरु सिटी जंक्शन 2:01 था, 15 मिनट के ठहराव के बाद 1:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती हैं। इसके बाद अपन थे मंडिया 2:29 पे था, 1 मिनट के ठहराव के बाद 2:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। तथा इसके बाद अपन थे मैसूर जंक्शन 2:03:55 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।